alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve BEAT physical science twenty nineteen intense test paper of Manu University with solution and explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved. And the students, I have discussed previous year it intense test paper in previous videos. विच लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्सन प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज़ सो लेट सॉल्व द क्वेश्चन फिफ्टी वन नंबर अगर ज़मीन की कीमियत को तब्दील किए बग़ैर इसके निसफ कतर को वन परसेंट बढ़ा दिया जाए तो ज़मीन की सतह पर क़त जज्बा की वजह से इसरा में क्या तब्दीली रोनुमा होगी Here Nisf Katar means radius. If the radius of Earth were to be increased by 1% without changing its mass, what would be the change in acceleration due to gravity on the surface of Earth? This question is repeated. The correct answer will be the acceleration due to gravity increased by 2%. I have discussed this question in ट्वेंटी ट्वेंटी वन बी एड फिज़िकल साइंस पेपर इन डिटेल्स प्लीज़ वॉच दैट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन जब गर्दिश के महूर मीन को साकित कर दिया जाए तो जावियाई रफ्तार को क्या कहते हैं हेयर गर्दिश मीन्स रोटेशन मीन मीन्स फिक्स मशहूर मीन्स एक्सिस वन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्सडुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड हेयर ऑप्शन गिवेन मंतकुल बुरूजी दैट मीन्स जोड़ियक एरिया और जोड़ियक रीजन इट इज़ करेक्ट तमीता मकदार अमाउंट ऑफ टाइम मादी मकदार मटेरियल क्वांटिटी ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड वाट का बिजली का बल्ब एक मिनट में कितनी तो मुंतिल करता है हाउ मच एनर्जी डज ए हंड्रेड वाट लाइट बल्ब ट्रांसमिट इन वन मिनट एज यू नो दैट पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम देन एनर्जी इक्वल टू पावर इन टू टाइम पावर गिवेन हियर हंड्रेड वॉट टाइम इज वन मिनट कन्वर्ट इन टू सेकेंड सिक्सटी देन वी गेट सिक्स थाउजेंड जूल सो करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन मरीज़ के दांतों की ज़रों को देखने के लिए दंदान साज़ किस आईना का इस्तेमाल करता है विच मिरर इज़ यूज बाई द डेंटिस्ट टू सी द रूट ऑफ द पेशेंट तीथ द डेंटिस्ट यूज कॉन्केब मिरर टू सी द पेशेंट तीथ हेयर ऑप्शन गिवेन इन उर्दू मुकर आइना देट मीन्स मिरर इट इज़ करेक्ट महदब आईना कॉन्वेक्स मिरर मस्तवी आईना प्लेन मिरर अस्तवानी आइना सिलेंड्रिकल मिरर ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इस नक्शा में थीटा की कदर कितनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस फिगर एयर यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर एज यू नो दैट the laws of reflection the angle of incidence is equal to the angle of reflection so this angle is equal to this angle that means 30 degree here total angle is 90 degree it is 30 then it is 60 here 60 degree 90 degree then it is 30 degree here normal make an angle with this mirror is 90 here 30 degree

द फुल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल अंदरूनी इन आकास के लिए जावियाई इन आकाश कितना होना चाहिए वट शुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज यू नो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन

दैट मीन्स पर्पेंडिकुलर इट इज़ करेक्ट तखफीफ शुदा देट मीन्स हॉरिजोंटल हकीीक रियल उल्टी इन्वर्टेड हेयर ऑप्शन इज करेक्ट परपेंडिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन तबयही मैजान का अक्ल तरीन शुमार कितना होता है तबयही मैजान मीन्स फिजिकल बैलेंस अक्ल तरीन मीन्स लिस्ट काउंट वाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस द मिनिमम वेट दैट कैन बी मेज़र हियर टू ऑप्शन इज पॉसिबल जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ग्राम एंड वन ग्राम हेयर रेंज ऑफ फिजिकल बैलेंस इज़ नॉट गिवेन सो द ज़ीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम इज द लिस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन एक हजार के जी कीमियत के दो गोलों को एक मीटर के फासला पर रखा गया है इनके दरम्यान लगने वाले तजाजी क़त की कदर कितनी होगी टू एसफेयर ऑफ इच मास थाउजेंड के जी आर प्लेस एट वन मीटर डिस्टेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ गेविटेशनल फ़ोर्स अप्लाइड बिटवीन दैम एज यू नो दैट गविटेशनल फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू जी गेविटेशनल कॉन्सटेंट into mass 1 into mass 2 by distance square here mass given 1000 kg both mass are equal then 1000 square by distance square that is 1 square as you know that the value of gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 इंटू टेन टू द पावर सिक्स बिकॉज थाउजेंड स्क्वायर बाय वन बाय सॉल्विंग दिस वी गेट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन मीटर पर के जी स्क्र सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एम वन और एम टू कीमियत की तो एशिया की हर की तो है अगर इसका मकदार तहरक बिल तरतीब पी वन और पी टू है तो पी वन इज टू पी टू कितना होगा हेयर मकदार तहर्रक बिल तरतीब मीन्स कॉन्सिकुटिव मोमेंटम एंड हर की तो मीन्स कानेटिक एनर्जी दैट मीन्स एम वन एंड एम टू मासेज ऑफ टू बॉडी ऑफ कानेटिक एनर्जी इफ़ पी वन एंड पी टू आर कंसिक्यूटिव मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी वन इज टू पी टू here some data is missing in place of kinetic energy because here not given kinetic energy is same for both body so here we consider the kinetic energy is equal as you know that kinetic energy of a body in terms of momentum is equal to p square by 2m so if कैंटिक एनर्जी सेम देन पी वन स्क्वायर बाय एम वन इक्वल टू पी टू स्क्वायर बाय एम टू देन रेशियो ऑफ पी वन एंड पी टू इज इक्वल टू एम वन इस टू एम टू ओवर रूट सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन इस मसावात से किसी गर्दिश पजीर शय की इसरा बताइए एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ दिस इक्वेशन। दिस क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज इक्वेशन इज नॉट गिवेन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन के गर्दिश का कानून किस साल में शाये हुआ था इन विच ईयर द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पब्लिश एज यू नो दैट न्यूटॉन्स लॉ ऑफ मोशन पब्लिश इन सिक्सटीन एट्टी सेवेन इन हिज बुक प्रिंसपिया नेक्स्ट क्वेश्चन इस ग्राफ के जरिए दो इशिया ए और बी के इशरा को दिखाया गया है ए और बी के इशरा का तनासब एच टू बी कितना होगा इन दिस ग्राफ देशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज शोन then what is the ratio of acceleration of object a and b here velocity time graph given and as you know that the slope of velocity time graph gives us acceleration here angle given 45 degree and 60 degree then slope of object a will be tan 45 degree because object a make an angle 45 with the horizontal बाई स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट पी विल भी टेन सिक्सटी डिग्री टेन फोर्टी फाइव वन टेन सिक्सटी रूट थ्री देयर फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बी विल बी वन इज टू रूट थ्री ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन गलेन वह पहला शख्स है जॉन ग्लैन इज ए फर्स्ट पर्सन हु ऑप्शन गिवेन जो खला में गया गिन टू स्पेस जिसने ज़मीन के गिरद चक्कर लगाया वो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इट इज़ करेक्ट बिकॉज जॉन ग्लेन वाज एन इंजीनियर एन एस्ट्रोनॉट ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन फिजा में पानी का शरा फीसद कितना होता है वाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमोस्फियर एज यू नो दैट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट लेवल इज डिफरेंट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमोसफियर इज अप्रॉक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सितारों की गर्दिश को कौन की तजवीज़ पेश की थी हु प्रोपोज द लॉ ऑफ रोटेशन फॉर स्टार एज यू नो दैट लॉ प्रोपोस्ड फॉर द रोटेशन ऑफ स्टार इज गिवेन बाई कैपलर ऑप्शन डीज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जमीन और दूसरे सारों की गर्दिश पजीर होने का सबूत सबसे पहले किसने दिया था हुज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव द अर्थ एंड अदर प्लान आर रोटेटिंग एज नो दैट कॉपर निकस प्रूफ द अर्थ एंड अदर प्लानट आर रोटेटिंग सो ऑप्शन गिवेन अरस्टोटल गैलीलियो कॉपर निकस इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कायनत में कसरत से पाया जाने वाला अंसुर कौन सा है हेयर अंसुर मीन्स एलिमेंट वाट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स एज यू नो दैट द मोस्ट एवं एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स इज हाइड्रोजन हेयर ऑप्शन गिवेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम हाइड्रोजन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किस सैारा को नजमुल शहर कहा जाता है विच प्लान इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एज यू नो दैट वेनस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार यर ऑप्शन गिवेन अतारत दैट मीन्स मर्क्यूरी जहरा देट मीन्स वेनस मिख मार्स जहल दैट मीन्स सेटर्न टाइम वेनस ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार बिकॉज बिकॉज इट्स सीन समटाइम बिफोर द सनराइज इन द ईस्ट एंड समटाइम्स सीन आफ्टर सनसेट इन द वेस्ट सो इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एज वेल एज़ इवनिंग स्टार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कहकशा के मरकज़ के इतराफ़ गर्दिश करने में सूरज को कितना वक्त लगता है हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर द सन टू रिवॉल्व अराउंड देंटर ऑफ आवर गलेक्सी आई जो नो दैट द टाइम टेकन टू डिवॉल्व अराउंड देंटर ऑफ आवर गलेक्सी इज ट्वेंटी फाइव करोड़ ईयरस सो हेयर ऑप्शन गिवेन टू पॉइंट फाइव करोड़ साल टेन करोड़ साल ट्वेंटी फाइव करोड़ साल इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दमदार तारों का दम किस जर्रा से मिल कर बना होता है द टेल ऑफ कॉमेट ज़ मेड अप ऑफ विच पार्टिकल आई यू नो दैट द टेल ऑफ कॉमेट इज मेड बाई आयन सो ऑप्शन गिवेन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन आयन इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्यारों के एक दूसरे की जानब हरकत के बारे में किसने मुतनाबा किया था वो ऑब्जर्व अबाउट मूवमेंट ऑफ प्लान टुआर्ड्स इच अदर एज यू नो दैट कॉपर निकस ऑब्जर्व द मोवमेंट ऑफ प्लान टुअर्ड्स इच अदर सो हेयर ऑप्शन गिवेन कॉपर निकस इट इज करेक्ट यूरी गैग्रीन ए डोंट है न्यूटन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कायनत के नुक़ा आगाज और इसकी साख्त के मुाल को क्या कहते हैं वाट इज़ द स्टडी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यू नो दैट द स्टडी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी हियर ऑप्शन गिवेन आसारियात दैट मीन्स आर्क्योलॉजी नजूम दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी फल्कियात दैट मीन्स एस्ट्रोनोमी आफाकियात दैट मीन्स कॉस्मोलॉजी इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पानी की कशाफत कितनी होती है वाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर आई यू नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब बट हे आर गिवेन इन ग्राम पर सेंटीमीटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम पर सीसी ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एम एट्टी सेवन क्या है व्हाट इज़ एम एट्टी सेवन हर ऑप्शन गिवेन कोता कद कह कशा दैट मीन्स शॉर्ट गैलेक्सी अजीमुल जशा कहकशा दैट मीन्स बिग गैलेक्सी मरगोला दार कहकशा मिल्की वे गैलेक्सी मजमूम कहकशा इन फेमस गैलेक्सीयर एम एटी सेवन इज़ ग्रेट गैलेक्सी दैट मीन्स अजीमशा कहकशा नेक्स्ट क्वेश्चन कोका कोला के तरसी जायका की वजह क्या है What causes of Coca Cola sour in taste? As you know that the sour taste of Coca Cola is comes due to formic acid. Here option given formic acid. Its formula is HCOOH. It is also called methanoic acid. Here given acetic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid. Only option A is correct. Next question. मंदरजा जेल से कौन खिजर खाना गैस नहीं है यर खिजर खाना मीन्स ग्रीन हाउस गैस विच आर द फॉलोविंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस एज यू नो दैट ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर सी एफ सी मिथेन कार्बन डाईआक्साइड नाइट्रोसऑक्साइड ओजोन यर ऑप्शन गिवेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सी एफ सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस एंड ऑल्सो हाइड्रोजन बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिकॉज हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ वाटर वेपर सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए नो टू इट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हरारी बिजली घरों में बिस्तर कौन सी गैस फिन पाई जाती है विच काइंड ऑफ फ्लू गैस इज़ फाउंड इन थर्मल पावर प्लांट एज यू नो दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर फाउंड इन फ्लू गैसेज बिकॉज फ्लू गैसेज इज प्रोड्यूस्ड इन स्टीम बॉयलर स्टीम जनरेटर और वेन फोसिल फ्यूल आर बर्न हेयर ऑप्शन गिवेन हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेज प्रोड्यूस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लू गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस और स्टैक गैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन इंसानी जिसम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अंसुर कौन सा है वाट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आज यू नो दैट ऑक्सीजन आर मोस्ट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इट इज सिक्सटी फाइव परसेंट बाई मास सो ऑक्सीजन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लाल या कुवत अहमर और नीलम किसका ऑक्साइड है एयर आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाल कुवत अहरम बट आई थिंक it is red ruby and neelam that is sapphire as you know that ruby red is also known as red color gemstone it is variety of corundum that is aluminum oxide al2o3 so red ruby is oxide of aluminum and neelam is also called blue sapphire इट इज़ ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ एलमोनियम ऑक्साइड दैट इज एलुमिना सो बोथ आर द ऑक्साइड ऑफ एलुमीनियम सो ऑप्शन गिवेन हेयर लोहा दैट मीन्स आयरन टीन पलम्बम तांबा कॉपर एलुमीनियम इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुंदरजा जेल से कौन क्लोरोफिल में पाया जाता है विच आर द फॉलोइंग आयन फाउंड इन क्लोरोफील एज यू नो दैट मैग्नीशियम आयरन आर मोस्ट फाउंड इन क्लोरोफील सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन शीशा किसमें हल पजीर होता है दैट मीन्स ग्लास इज सोल्यूबुल इन विच ऑफ द फॉलोविंग एसिड एज यू नो दैट ग्लास इज सोलियुबुल ओनली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दैट इज एच एफ नेक्स्ट क्वेश्चन फिज़ा में फैली हुई तेजाबियत की वजह क्या है वाट इज़ द कॉज ऑफ एसिडिटी इन द एटमोसफियर एज यू नो दैट द एसिडिटी कॉज इन द एटमोसफेयर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र वेन रेन ड्रॉप इज कम्बाइंड विद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र देन टू टू एसिड आर फाउंड दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सेकेंड इज सलफरिक एसिड बोथ आर एस्ट्रॉन्ग एसिड सो एसिडिटी इज कॉज ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अर्क लेमो का पी एच कितना होता है अर्क लेमू मीन्स लेमन जूस वाट इज द पी एच ऑफ लेमन जूस यू नो दैट लेमन जूस इज देन पी एच ऑफ लेमन जूस इज़ लेस देन सेवन, सो हेयर ऑप्शन गिवेन सेवन सेवन से ज़्यादा सेवन से कम इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एटमी आदाद के हिसाब से मुरतब कीमयाई अनासर के जदुल में सबसे वज़नी धात कौन सा है अकॉर्डिंग टू एटमिक नंबर which is the heaviest metal in the table of chemical elements as you know that here option given osmium atomic number 76 atomic mass 190 platinum pb that means lead atomic mass 207.2 it is a p block element group 14 w tungsten or wall frame so एटोमिक मास इज मोस्ट ऑफ प्लम्बम दैट इज़ इट लेड सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एक किरात जवाहरात का वजन कितना होता है वाट इज़ वेट ऑफ वन कैरेट ज्वेलरी एज यू नो दैट द वेट ऑफ वन कैरेट ज्वेलरी इज़ टू हंड्रेड मिलीग्राम ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट खलाई जहाज़ों में ऊँचे दर्ज हरारत के मज़ात को बर्दाश्त करने के लिए किस धात का इस्तेमाल किया जाता है विच मेटल इज़ यूज इन स्पेस क्राफ्ट टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस एज यू नो दैट टाइटेनियम इज़ यूज इन देस क्राफ्ट टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर रसिस्टेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट कौन सा रंग मंशूर से गुजरने के बाद सबसे कम मरता है which of the following light is bent least by passing light through prism as you know that when light passes through prism then it is split into seven color and violet color is bent most red color bent least so रेड लाइट बेंट लिस्ट या ऑप्शन गिवेन नारंगी दैट मीन्स ऑरेंज बनापी बनाप्शी वायलट सब्ज ग्रीन सुर्ख रेड इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जहरा की फिजा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है विच गैस इज फाउंड इन द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस एज यू नो दैट द गैस मोस्टली फाउंड इन द एटमोस्फियर ऑफ वेनस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड यार ऑप्शन गिवेन ऑक्सीजन इट इज इनकरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज करेक्ट नाइट्रोजन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन दूरबीन का कुत मुतसिल जज्त किस पर मुंहसर करता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिपेंड्स ऑन एज यू नो दैट रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट यार ऑप्शन गिवेन मास्की तनासिब फोकल रेसियो एशिया की कतर दैट मीन्स डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ करेक्ट तकसी ऑक्सीडेशन तोल मास्का दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किस सयारा पर सूरज मगरब से तुलू होता है ऑन विच प्लान डज द सन राइज फ्रॉम वेस्ट एज यू नो दैट ऑन द वेनस सन राइज फ्रॉम द वेस्ट यर ऑप्शन गिवेन जहल दैट मीन्स सेटर्न प्लूटो अतारद दैट मीन्स मर्क्यूरी जहरा दैट मीन्स वेनस वेनस इज अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जमीन के बराबर कीमियत वाले सियाह सुराख का हजम तकरीब किसके बराबर होगा हेयर हजम मीन्स वॉल्यूम और साइज वाट साइज वुड ए ब्लैक होल बी इफ इट्स मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ as you know that if the mass of black hole is equal to the mass of earth then its size is equal to the size of coin on the earth here option given suraj it is incorrect chand it is incorrect cricket ki gend cricket ball it is incorrect zameen per khelne wali goli size of glass ball on the earth इट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हैयत दा के काउसी मतगैरात का इस्तेमाल किसकी पैमाइश के लिए करते हैं हियर है दा मींस एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स यूज ए वेरिएबल्स टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग एज यू नो दैट एस्ट्रोनॉट यूज ए वेरिएबल्स टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सो हेयर ऑप्शन गिवेन जसामत दैट मीन्स साइज रफ्तार दैट मीन्स स्पीड कीमियाई मुरक्ब दैट मींस केमिकल कंपाउंड फासला दैट मीन्स डिस्टेंस इट इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एस्ट्रोनॉट यूज टू मेथड टू मेजर ए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फर्स्ट वन इज़ पेरेलेक्स मेथड सेकेंड वन इज टिग्नोमेट्रिक मेथड नजमुलफजारी धमाका के लिए तवनाई का जरिया क्या है वाट इज़ दोर्सेज ऑफ़ एनर्जी फॉर बिग बैंग एक्सप्लोजन एज यू नो दैट द दोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बिग बैंग एक्सप्लोजन इज़ ग्रेविटी इम्तज़ाज दैट मीन्स फ्यूजन इन शाक़ दैट मीन्स फ्यूज़न नन ऑफ दिस ओनली ए ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करीब तरीन कहकशां एंड्रोमेडा ज़मीन से कितनी दूरी पर वाक़ है हाउ फार इज द नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा फ्रॉम द अर्थ ईयर ऑप्शन गिवेन टू इंटू टेन टू द पावर फाइव नूरी साल दैट मीन्स लाइट ईयर टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स लाइट ईयर इट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन त में सबसे पहले किस साइंसदान ने बताता तौर पर, पर दूरबीन का इस्तेमाल किया हु द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ ए टेलीस्कोप लॉजी इन एस्ट्रोलॉजी एज यू नो दैट द टेलीस्कोप यूज इन एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट टाइम बाई गियो गैली लाई सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following planet does not have satellites as you know that only two planet that is mercury and venus which does not have satellite so here option given midrigh that means mars zahel that means saturn zamin earth Zahra that means venus so it is correct be because वेनस डज नॉट हैटेलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन रोशनी की शुवा एक सेकेंड में जमीन के चारों तरफ कितनी चक, चक्कर लगाती है हाउ मैनी टाइम्स द रे ऑफ लाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन वन सेकेंड आज यू नो दैट द रे ऑफ लाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन वन सेकेंड ज़ सेवन पॉइंट फाइव टाइम्स अप्रॉक्स सेवन पॉइंट फाइव टाइम्स सो हेयर ऑप्शन गिवेन थ्री टाइम्स सेवन पॉइंट फाइव टाइम्स इट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तस्वीर में स्यारह अकारत को सूरज के गिर्द गर्दिश करते दिखाया गया है किस नुकता पर इसकी हर की तो ज़्यादा होगी the planet mercury is revolving in an elliptical orbit around the sun as shown in figure at which point the kinetic energy will be greatest you can see in this figure point a is nearer to the sun at point a the angular speed will be maximum so the kinetic energy will be maximum so at point a the kinetic energy is maximum option a is correct so students i have discussed total 50 questions from 51 to 100 i hope it will be help you if any doubts regarding these questions then please comment your questions in the comment box i try to reply your answer thanks for watching